बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और घर में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। जी, तो यहाँ पर आपकी क्लास 4 की साइंस है हमारे साथ। हम आपके साथ लेक्चर नंबर 7 हाजिर हैं। लेट्स सी क्या करना है हमने। सेकंड यूनिट आपका आज से स्टार्ट हो गया, यूनिट नंबर 2, टॉपिक द एनिमल वर्ल्ड। सब टॉपिक इसमें वर्ड्स मीनिंग करवाने हैं और साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है इस चैप्टर का। जी, एनिमल वर्ल्ड, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कुछ चीज़ें देखनी हैं, जैसे कि एसेंशियल्स ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है या समथिंग, इस तरह का आपका पहला पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है। आप देख सकते हैं एनिमल वर्ल्ड यानी जानवरों की दुनिया, डिफरेंट किस्म के आपको इसमें एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनके हमने लाइफ साइकिल्स को भी डिस्कस करना है। उसके बाद है सेकेंड अडॉप्टेशन, अडॉप्टेशन मुआफ़त भी कहा जाता है, आप कोई भी चीज़ अडॉप्ट करते हो। थर्ड इज़ मूवमेंट, हरकत करना, आपका एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना या एनिमल्स का या बर्ड्स की मूवमेंट, उससे सेंस में ले लेंगे। फोर्थ इज़ द रिप्रोडक्शन, ये चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है उसको कि क्या है वो। ओके, फर्स्ट इज़ शेल्टर, शेल्टर पनाह देना किसी चीज़ को, उसमें ले सकते हैं आप मूवमेंट, हरकत करना। ब्रीथ हमारे पास आ जाता है, सांस लेना। सर्वाइव, वजूद कायम रखना यानी आप रहें, जिंदा रहना भी इसमें आ सकता है। टेम्परेचर, दर्जा हरारत। एनर्जी, तवानाई। हर्बीवोर, हर्बीवोर नबातात खोर, ऐसे हम अगर सेंस में लें इसको एनिमल्स की, तो हर्बीवर्स वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट या फिर अपनी जो है ग्रीन चीज़ें खाते हैं, पत्ते वगैरह हम उसको कह सकते हैं। ओके, ओमनीवर्स, ओमनीवर्स होते हैं हमाखोर, दोनों चीज़ें खाने वाले, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो चीज़ खाते हैं वो होते हैं ओमनीवर्स। एंड थर्ड वन इसी लाइन में आ जाता है कार्निवर्स, कार्निवर्स होते हैं गोश्तखोर, ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, गोश्त खाते हैं, ईट मीट। ओके, आफ्टर डैट यू हैव फोटोसेंथेसिस, फोटोसेंथेसिस का प्रॉपर जो मीनिंग है वो है ज़ियाई तालीफ, लेकिन अगर हम इसको एक अच्छी सेंस में लें तो क्या होता है कि प्लांट्स जो फूड बनाते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए, तो उसको हम कहते हैं फोटोसेंथेसिस। उसके बाद आ जाएगा प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स शिकारी को कहा जाता है, कोई भी जैसे कि लाइन है वो या फिर कोई भी शिकार कर रहा होता है। उसके बाद है जनरेशन, नस्ल। ओके, ये आपके पास है लास्ट जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन नस्ल आप कह सकते हैं उसको। ओके, वन टाइम इसको आपने क्या करना है, राइट करना है, लर्न करना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।